हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्पडेस्क में। तो आज हम बात करने वाले हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो जो भी आज की जो अपडेटेड न्यूज है आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बताते हैं, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा जहाँ पर आप लोगों को जाकर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को अपडेटेड न्यूज मिलते रहती है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, TMBU PG में 944 सीटों पर ऑन स्पॉट होगा दाखिला। अगर हम बात करें अभी जिस TMBU PG में दाखिला की, तो 944 सीटें और बची हुई है, और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, तो उसमें से लगभग 1585 स्टूडेंट ने अभी तक दाखिला लिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट को मिलाकर। वहीं बात करें जो सीटों की संख्या बची हुई है, 944 सीट अभी भी बची हुई है। उसके बाद फिर यहाँ दिया गया है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG विभाग और कॉलेजों में स्नातक कोर्स यानी कि PG कोर्स के लिए 1585 के करीब छात्रों ने दाखिला लिया है। वहीं 944 सीटों पर ऑन स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विभाग व कॉलेज बार स्नातक कोर में खाली सीटों की संख्या जारी की गई है, यानी कि आप लोगों का जो सीटों की संख्या उसे जारी भी कर दी गई है, और साथ ही उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो भी बता दिया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही आप लोग बता दें कि हमने पिछले वीडियो में इसी डिटेल में भी बताया है, और आप लोग बता दें कि आप लोग बहुत सारे पूछ रहे थे कि कब जो आप लोग का स्कूल कॉलेज कब जाना है या फिर उस डिपार्टमेंट में कब जाना है। तो आप लोग बता दें कि ऐसे तो डेट दिया गया है 24 से आप लोगों को जाना है, लेकिन आप लोग कॉलेज में पता करते रहिए। अगर पहले से भी हो सकता है कि उससे पहले से भी ऑन स्पॉट एडमिशन हो रहा होगा, तो आप लोग अपना अपना कॉलेज में पता कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा तो डेट दिया गया है 24 से आप लोगों का कॉलेज जाकर आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके जाना है और ऑन स्पॉट एडमिशन करवाना है, तो इस तरह से करवाना है। लेकिन आप लोग बता दें कि आप पहले से पता कीजिए कि आप लोगों का अगर अभी हो रहा है तो आप लोग जाकर करवा लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो आज की जो नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि PG 24 से PG की कक्षाएँ शुरू की जाएगी। अगर TMBU PG की बात करें 2022 सेशन वाले का, तो आप लोग यहाँ डेट दिया गया है कब से आप लोग जो क्लास है आप लोग को स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर दिया गया TMBU के PG सत्र 2022 का प्रथम सेमेस्टर, यानी कि 2022 जो एडमिशन चल रहा है उसका प्रथम सेमेस्टर में नामांकित छात्रों की कक्षाएँ 26 जुलाई से शुरू करने का निर्देश विभागाध्यक्षों को दिया गया है। PG का इस बार ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा। PG में तीसरी मेधा सूची के अनुसार नामांकन हो गया है। आप लोग जैसा कि हम आप लोग बता दें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जो भी 1585 स्टूडेंट का नामांकन हुआ है, उनका क्लास जो है 24 जुलाई से आप लोगों को स्टार्ट कर दिया गया। 24 जुलाई से स्टार्ट आप लोगों को कर दिया जाएगा। वहीं बात करें आप लोगों को ऑन स्पॉट जो एडमिशन ले रहे हैं ऑन स्पॉट, तो उनके लिए तो उनका जो एडमिशन अभी चल रहा है, तो उनका एडमिशन जब ख़त्म हो जाएगा ऑन स्पॉट, उसके बाद आप लोगों का भी क्लास शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी तक नामांकन ले चुके हैं PG में TMBU में PG में, तो आप लोग बता दें कि 1585 स्टूडेंट ने जो नामांकन लिया है उन सभी का क्लास आप लोगों को 24 जुलाई से चलेगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए दिया गया है कि डीन एकेडमिक डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने कहा कि विभिन्न संकाय के छात्रों के लिए एक एक दिन यह कार्यक्रम चलेगा, यानी कि आप लोगों को विभिन्न जो भी अलग अलग जो भी क्लास हैं या सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट है उन सभी के लिए एक एक दिन सभी के लिए कार्यक्रम ये चलेगा। यहाँ पर दिया कार्यक्रम को कुलपति संबोधित करेगी, यानी कि अलग अलग जो क्लास शुरू की जाएगी आप लोगों को, जैसे किसी डिपार्टमेंट का क्लास शुरू किया गया तो आप लोगों को प्रत्येक दिन जिस विषय का क्लास शुरू किया गया उसमें आप लोगों को जो कुलपति हैं वो संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ दिया गया 24 जुलाई 11:30 बजे से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम बहुउद्देशीय प्रसाल में होगा। बहुत पहले दिन साइंस कॉमर्स और लॉ के छात्रों का होना है, यानी कि आप लोग क्लास जो शुरू होगा तो आप लोगों का जो भाषण देंगे आप लोग कुलपति, यही उसके बारे में दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ दिया गया 28 जुलाई को इसी समय सोशल साइंस और मानविकी का होगा। डीन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि 24 जुलाई से कक्षा शुरू करवा दें। ओरिएंटेशन कार्यक्रम ये सभी यहाँ पर दिया गया कि आप लोगों को अगर एक बात में कहें तो आप लोगों का जो क्लास है आप लोग को 24 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। वहीं बात करें आप लोग को जो ऑन स्पॉट एडमिशन ले रहे हैं उनका क्लास, तो उनका जो क्लास है आप लोग ऑन स्पॉट एडमिशन ले लीजिएगा, तो आप लोग को उसी में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसी क्लास में जो 24 जुलाई से शुरुआत हो रही है। तो इस तरह से आप लोग को क्लास शुरू हो रहा है। तो आज के चलते हैं थर्ड न्यूज पे। तो आज की जो थर्ड न्यूज है, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 61 साल बाद भी सिर्फ 3 कॉलेजों में PG की पढ़ाई। अगर TMBU यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको बता दें कि 61 साल बाद भी अब
अभी तक तीन ही कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है। हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, एडमिशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं TMBU के स्थापित हुए 61 साल हो गए, लेकिन आज तक 23 में मात्र 3 कॉलेजों में ही पढ़ाई शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 कॉलेजों में आप लोगों का पीजी में नामांकन लिया जाता है, 23 कॉलेजों में, और उसमें से सिर्फ 3 ही कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर यहाँ देख सुदूर क्षेत्र के कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई नहीं शुरू होने से वहाँ के छात्र छात्राओं घर के पास रहकर उच्च शिक्षा की इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है। उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि 12 जुलाई 1960 इसके बारे में दिया गया कि इस दिन स्थापना हुई थी TMBU यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आप लोगों का जो क्लास नहीं चल रहा है इस पर, यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट है जो जिनका कॉलेज में नहीं एडमिशन हो पा रहा है, जो क्लासें नहीं चल रही, तो उसमें से आप लोगों को इसमें पत्र भी लिखा है TMBU यूनिवर्सिटी के कुलपति को, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। उसके बाद आज के चलते हैं, तो आज की जो अपडेटेड न्यूज थी आज हमने बता दिया। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।